नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। महाराष्ट्र के सियासी संकट से आप सभी बखूबी वाकिफ है। किस तरीके से महाराष्ट्र में सियासी माहौल गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि महाराष्ट्र में शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे अपनी सत्ता को गवा चुके हैं। उनके साथ बगावत कर बैठे उन्हीं की पार्टी के विधायक, जी हाँ 40 विधायकों ने बगावत की और विधायक एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन चुके हैं। डिप्टी सीएम है देवेंद्र फडणवीस। बीजेपी के समर्थन से जिस तरीके से नई सरकार को बनाया गया है, इस सरकार को लेकर विपक्ष लगातार अपनी बात रख रहा है। बात करेंगे यहाँ पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार के भतीजे पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के बारे में। शरद पवार और अजीत पवार ने डंके की चोट पर यह दावा किया था कि यह सरकार 6 महीने तक नहीं टिक पाएगी, लेकिन अब यहाँ पर देखा जाए तो अजीत पवार कई कामों को सराहते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में उन्होंने बात की है कि एकनाथ शिंदे ने जो बगावत की उसको लेकर वह क्या सोचते हैं। वहीं दूसरी ही तरफ देखने को मिल रहा है कि एकनाथ शिंदे ने मनसे प्रमुख राज ठाकरे से मुलाकात की, देवेंद्र फडणवीस ने भी राज ठाकरे से मुलाकात की और दूसरी ही तरफ एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे के निजी सचिव मिलिंद नार्वेकर से भी मुलाकात कर चुके हैं। इसी बीच देखा जाए तो अब अजीत पवार ने क्या कुछ कहा है। दरअसल आपको बता दें कि अजीत पवार जो लगातार कृषि क्षेत्र पर ध्यान दे रहे हैं, एनसीपी कृषि क्षेत्र को लेकर, किसानों को लेकर अहम फैसले लेती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन हाल ही में जिस तरीके से जो बगावत देखने को मिली, शिवसेना के एक धड़े ने एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर 20 जून को सरकार से यहाँ पर बगावत कर ली और उस घटना को लेकर उन्होंने कहा कि मैं इस घटना की गहराई में नहीं जाऊंगा, लोकतंत्र में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। वहीं अजीत पवार का कहना है कि आम जनता चुनाव के माध्यम से तय करेगी कि ये सही है या फिर गलत। अजीत पवार लगातार यहां पर अपनी बात रखते हुए देखे जा रहे हैं। बागी विधायकों को लेकर उन्होंने ये बात कही और दूसरी ही तरफ देखा जाए तो अजीत पवार जिस तरीके से यहाँ पर अपनी बात रखते हुए नजर आए हैं, वहीं दूसरी ही तरफ आदित्य ठाकरे निष्ठा यात्रा के आह्वान के द्वारा बागी विधायकों को अपने खेमे में वापस लाने की पूरी कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच महाविकास अघाड़ी सरकार ने जिस तरीके से अपने ऋण का भुगतान करने वाले किसानों को 2 लाख तक का ऋण माफ कर दिया है, उन्हें 1 लाख रुपए की सब्सिडी देने का फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि मार्च साल 2020 में कोरोना के चलते उन्होंने सब्सिडी देना बंद कर दिया था, लेकिन अब उसके बाद ये अनुदान अनुपूरक मांगों में देने का फैसला भी लिया गया है। इस तरीके से एनसीपी की तरफ से यहाँ पर कई फैसले लिए जा रहे हैं जो काबिले तारीफ है। अजीत पवार लगातार कई कार्यक्रमों का हिस्सा भी बन रहे हैं और उस दौरान वह अपनी बातों को रखते हुए नजर आ रहे हैं। कई योजनाओं की वह शुरुआत करते हुए नजर आ रहे हैं और उन योजनाओं की शुरुआत करने के लिए वह देवेंद्र फडणवीस के साथ भी चर्चा करते हुए देखे जा रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस का वह साथ देते हुए भी देखे गए हैं विधानसभा सत्र के दौरान, जब किसानों को लेकर यहाँ पर कई विवाद होते हुए नजर आए हैं, उस वक्त वह इस सरकार के समर्थन में उतरते हुए नजर आए। फिलहाल देखा जाए तो अजीत पवार ने यह बात कही है और अजीत पवार बहुत ही शानदार तरीके से यह बात कहते हुए नजर आए, लेकिन दूसरी ही तरफ शरद पवार ने ऐलान कर दिया है कि साल 2024 में विपक्ष पार्टियां अगर एकजुट हो जाती हैं तो चुनाव लड़े जा सकते हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही, बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।